के सी वेणुगोपाल जी, HK पाटिल जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी, भूपेश बघेल जी, अशोक चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, अविनाश पांडे जी, रजनी पाटिल जी। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। संत गजानन महाराज जी की जय। तकरीबन 70 दिन पहले ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। समुद्र के किनारे यात्रा की शुरुआत हुई। हर रोज 25 किलोमीटर ये यात्रा चलती है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और अब महाराष्ट्र। विपक्ष के लोगों ने सवाल पूछा था, यात्रा की क्या जरूरत। क्या फायदा है इस यात्रा का। देश में, देश के कोने कोने में आज बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी, डर फैला दिया है। जहां भी आप देखें, आपको डर, नफरत और हिंसा दिखेगी। इस डर के खिलाफ, नफरत और हिंसा के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। और यात्रा का लक्ष्य आपको कुछ बताने का नहीं है, आपको कुछ समझाने का नहीं है, अपनी मन की बात रखने का नहीं है। यात्रा का लक्ष्य आपकी आवाज को सुनने का है, आपके दर्द को समझने का है। मैं सोचता हूं कि डर से, नफरत से, हिंसा से बंटवारा होता है, प्यार से, जनता की आवाज को सुनने से, जनता से गले लगने से लोग जुड़ते हैं। नफरत से इस देश को कभी फायदा नहीं होगा। मैंने डर की बात बोली। डर कहां, डर किस बात का? विपक्ष के लोग पूछेंगे डर किसका, कौन डरा हुआ है? अगर वो इन सड़कों पे चलते पांच मिनट में उनको बात समझ आ जाती। भाइयों और बहनों, इस प्रदेश में पिछले 6 महीनों में कितने किसानों ने आत्महत्या की है? क्यों की है? किस कारण की? किसी भी किसान से बात करो, आपको कहेगा हमें सही रेट नहीं मिलता। तंग आ गया हूं मैं इन शब्दों को सुनकर। पहली बात बोलते हैं, मैं पूछता हूं कैसे हो, कहते हैं सही रेट नहीं मिलता। दूसरा सवाल पूछता हूं क्या हो रहा है, कहते हैं हमने बीमा का पैसा भरा। आंधी आई, 1 रुपया नहीं मिला। और फिर सवाल पूछते हैं, राहुल जी एक बात बताइए, हमें समझ नहीं आती बात, किसान आत्महत्या करता है क्यों करता है? 50,000 रुपए का कर्ज होता है, 1 लाख रुपए का कर्ज होता है, और लाइन लग जाती है। हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। 50,000 रुपए का कर्ज होता है, 1 लाख रुपए का कर्ज होता है। कितने किसानों ने मुझसे पूछा राहुल जी हमें एक बात समझा दीजिए, हमने क्या गलती की? 1 लाख रुपए का हमारा कर्ज माफ नहीं होता, मगर हिंदुस्तान के अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ हो जाता है। क्यों? क्यों वो पूछते हैं? ये डर नहीं है तो क्या है? और ये ऐसे ही नहीं फैला है, पहले भी विदर्भ में किसानों को मुश्किल हुई थी। उस समय दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमने विदर्भ के किसानों की आवाज सुनी और एकदम विदर्भ को पैकेज दिया। डर कैसे मिटता है? डर सुनने से मिटता है, डर गले मिलने से मिटता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं स्टेज से, अगर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दिल खोलकर प्यार से महाराष्ट्र के किसान की आवाज सुन ले, यहां पे कोई आत्महत्या नहीं करेगा। क्योंकि अगर उन्होंने दिल खोलकर आवाज सुनी तो जो किसान सह रहा है, जो उसके दिल में दर्द है, उसे वो समझ जाएंगे। और अगर उसे समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ मदद वो किसान की कर देंगे। इन सड़कों पे सिर्फ किसान नहीं मिलते, युवा भी मिलते हैं। हजारों युवाओं से मैंने बात की। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, कोई पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहता है। हर युवा के माता ने, पिता ने खून पसीने के पैसे डाले हैं। यूनिवर्सिटी भेजते हैं बच्चों को, कॉलेज भेजते हैं, फ्री में नहीं आता महाराष्ट्र में, ये मुफ्त में नहीं मिलती शिक्षा, लाखों रुपए देते हैं। और फिर इन सड़कों पे क्या सुनने को मिलता है? क्या पढ़े? इंजीनियरिंग, कौन सी? मैकेनिकल। क्या कर रहे हो? कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? मुंह नीचे करते हैं, कहते हैं मजदूरी कर रहा हूं, उबर की गाड़ी चला रहा हूं। क्या हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं कि माता पिता लाखों रुपए डालें, बच्चों की शिक्षा में डालें, सारा का सारा पैसा उनके जेब में से निकलकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चला जाए? और उनका सपना कभी पूरा ना हो, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। यह किसी और का हिंदुस्तान है, यह हमें नहीं चाहिए। 2-3 उद्योगपति देश का पूरा धन उठा के ले जाएं और हमारे युवा अपना सपना कभी ना पूरा कर पाए, ऐसा नहीं चाहिए हमें हिंदुस्तान। और सिर्फ हम होने नहीं देंगे, छोड़ो, ऐसा हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे। तो किसानों के दिल में डर, युवाओं के बीच के दिल में डर, उनके माता पिता के दिल में डर, और फिर उस डर को बीजेपी नफरत में बदलती है, बांटने का काम करती है, भाई को भाई से लड़ाती है। आप सबके परिवार हैं, आप सबके भाई हैं, माता पिता हैं, परिवार में नफरत होती है तो परिवार का फायदा होता है या नुकसान? कोई है यहां पे जिसके परिवार में नफरत से फायदा हुआ है? कोई भाई है यहां पे जिसको अपने भाई से लड़ने से फायदा हुआ? कोई है यहां पे बेटा जिसको अपने पिता से लड़ाई करने से फायदा हुआ? कोई है? नहीं हो सकता। तो अगर परिवार को फायदा नहीं होता तो देश को कैसे फायदा हो जाएगा? देश भी तो एक परिवार है, लाखों परिवारों से देश बनता है। तो हिंसा से, नफरत से देश को फायदा नहीं हो सकता। और आज ये आपकी धरती है, महापुरुषों की धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ज्योतिबा फूले जी, शाहू महाराज जी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी, सावित्री भाई फूले जी, होलकर जी, संत गाडगे महाराज जी, ज्ञानेश्वर महाराज जी, शिरडी साईं बाबा जी, लिस्ट है। इनमें से किसी ने यह कहा था कि नफरत और हिंसा फैलाओ? किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। सबने प्यार की बात की, सबने लोगों को जोड़ने की बात की, और वो ही ये यात्रा कर रही है। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। आज यात्रा में मैं बैठा था, यात्रा के बीच में हम चाय पीते हैं, मैं चाय पी रहा था और उधर से एक व्यक्ति आए, आर्मी में हुआ करते थे। मैंने उनको देखा, पहले बात समझ नहीं आई, मैंने कहा ये क्या है, और फिर जब वो पास आए मैंने देखा उनकी टांगे नहीं थी, एक हाथ नहीं था। मुझे उन्होंने बताया कि जब उनको चोट लगी उनकी टांगें काट दी गई, तो 3 महीने के लिए अस्पताल में उन्होंने अपनी बीबी को बताया नहीं। क्यों? उनके पैर कट गए। महीनों वो अस्पताल में रहे, दोनों पैर कट गए, एक हाथ टूट गया, इंटेस्टाइन्स बाहर आ गई थी, छाती खुल गई थी। और मेरे साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, बताइए आपको इतनी बड़ी चोट लगी, आपके खिलाफ इतनी हिंसा हुई, आपको नफरत नहीं आती क्या? आपके दिल में नफरत है क्या? मुस्कुरा के कहते हैं मुझे किसी से नफरत नहीं है। और अगला शब्द कहते हैं, मैंने पूछा क्यों? कहते मेरे दिल में डर नहीं है, मैं नहीं डरता। जिस दिन मेरे पैर कट गए उस दिन मैंने सोचा नई जिंदगी है, इसको मैं जीऊंगा, हिम्मत से जीऊंगा। भाइयों और बहनों, जिसने भी अपनी जिंदगी में हिंसा सही है, जिसने भी हिंसा सही है, जिसको भी सच्ची चोट लगी है, उसके दिल में डर नहीं होता है और उसके दिल में नफरत नहीं होती है। ये सब लोग जो नफरत की बात करते हैं, इनको कभी चोट नहीं लगी है, इनके खिलाफ किसी ने हिंसा नहीं की है, इसलिए ये बात करते हैं। जो दिन भर देश को अपना खून पसीना देता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, युवा हो, उसके दिल में नफरत नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता। आज हम यहां आए, शिवाजी महाराज जी जिन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, उनकी जमीन है। मां के बिना, जो मां होती है वो बेटे को रास्ता दिखाती है। शिवाजी महाराज जी को शिवाजी महाराज किसने बनाया, वो कैसे बने शिवाजी महाराज, और वो शिवाजी महाराज थे क्या? हां, वो एक व्यक्ति थे जरूर, मगर वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। उनमें और हम सब में क्या फर्क था? फर्क यह था कि वो महाराष्ट्र की आवाज थे। पूरी की पूरी जो आपके दिल में जो भावना थी वो शिवाजी महाराज के अंदर थी, और उनको रास्ता दिखाने का काम किसने किया? उनकी माता जी ने किया, राष्ट्रमाता जीजाऊ जी ने किया। तो आज हम उनकी भी याद करते हैं। जो शिवाजी महाराज जी ने कहा और आपके सब महापुरुषों ने कहा, वही काम ये यात्रा करने की कोशिश कर रही है। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपने इस यात्रा को अपनी पूरी की पूरी शक्ति दे दी, पूरा प्यार आपने दिया। आसान काम नहीं है, 3500 किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मगर आपने आसान बना दिया। अब देखिए नेताओं के चेहरे देखिए, थकान नहीं है किसी में। मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। यह आपका काम है। आपने हमें प्यार दिया, आपने हमारी मदद की, और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। महाराष्ट्र के किसानों ने, युवाओं ने, माताओं ने, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं ये अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा कि महाराष्ट्र की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी शक्ति दी और इतना ज्ञान दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।